22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। अभी देखिए, ये हिना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, यहाँ पर चुनाव प्रचार करने पहुंची हुई हैं, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। तो हिना साहब सुबह सुबह सिवान शहर में चुनाव प्रचार में निकली हैं और उनके समर्थक यहाँ सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। तो हिना साहब चुनाव प्रचार कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, शहर में घूम रही हैं। मैडम, सुबह सुबह प्रचार कर रहे, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है, देख ही रहे हैं ना, सभी लोग हैं। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा मेरा डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, इस बार वुमेन्स प्रोटेक्शन है। पहले और अभी के चुनाव में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे, संविधान है। पहले के चुनाव में अभी के चुनाव में क्या अंतर महसूस हो रहा है? आप तो लगातार चुनाव लड़ती रही है। देखिए, पहले के चुनाव में अलग ये बात थी, अलग सोच थी, और लेकिन अभी का जो है 2014 में एक हवा थी मोदी जी का, जिसमें हम लोगों ने चुनाव हार गए, वो कोई मसला नहीं है। मसला है कि अपनी जनता के बीच में रहिए, सेवा करिए, जीत हार तो लगी रहती है। समर्थन मिल रहा है पूरा? भी पूरा पूरा। तो आप देख रहे हैं कि हिना साहब घर घर घूम रही हैं, गलियों में घूम रही हैं सिवान शहर की, और कह रही हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था, मोदी लहर थी तो चूक गईं, लेकिन इस बार नहीं चूकेंगी, और घर घर जा रही हैं, लोगों के बीच जाकर वोट मांग रही हैं। तो हिना साहब का चुनावी कैंपेन सुबह सुबह शुरू है, उनके साथ उनके समर्थक हैं और हिना साहब जिंदाबाद के नारे लगातार लग रहे हैं। तो हिना साहब यहाँ की मजबूत उम्मीदवार हैं, RJD की प्रत्याशी हैं, और उनका मुकाबला है JDU के नेता, JDU के बाहुबली नेता की पत्नी से। तो दोनों में दिलचस्प मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, और इस बार हिना साहब को पूरी उम्मीद है कि जन सहयोग मिलेगा, जन समर्थन मिलेगा, और इस बार वो चुनाव जीत कर दिखाएंगी। चलिए देखिए, हम भी दिखाएंगे लगातार कि हिना साहब को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, हिना साहब को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम दिखाएंगे आपको। तो देखिए, ये हिना साहब अपने चुनाव कैंपेन के दौरान आई हैं एक मोहल्ले में, और मोहल्ले के लोग यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं, और मोहल्ले के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, और स्थानीय लोगों की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। तो महिलाएं आ रही हैं, हिना साहब को माला पहना रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं, और हिना साहब सबसे मिल रही हैं और बता रही हैं कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ है, एक बहू को शहर की गलियों में घूमना पड़ रहा है, वोट मांगना पड़ रहा है, तो सहयोग समर्थन की दरकार है, और लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि उनको सहयोग मिलेगा, पूरा समर्थन मिलेगा। तो हिना साहब यहाँ पर आई हैं, देखिए यहाँ पर सिवान शहर का एक मोहल्ला है, काफ़ी दूर तक पैदल मार्च करके यहाँ तक पहुँची हैं, लोगों से वोट मांगते हुए पहुँची हैं, और इनको पूरा भरोसा है कि इस बार समर्थन और सहयोग मिलेगा। मैडम, ये लड़ाई क्या है? अपने शहाबुद्दीन को आज़ाद कराने की लड़ाई है, क्या लड़ाई है? हमारे सिवान जिला का विकास की लड़ाई है, हमारे सिवान जिला के बेरोजगारी की लड़ाई है, हमारे सिवान जिला की जो हमारे गरीब गुरबा हैं, मजदूर तबके के लोग हैं जो इलाज के अभाव में मर जाते हैं, उनके लिए है, और हमारे संविधान देश बचाओ के लिए है, हमारे युवाओं के लिए है। कैसा रिस्पॉन्स मैडम? शहाबुद्दीन जी ने जो काम किया सिवान की जनता के लिए, शिक्षा के लिए, वो कितना काम आ रहा है मुद्दा जी? वो काम बच्चे आ रहे हैं मेरे साथ, नौजवान बच्चे एजुकेशन में जितने भी हैं, जो पढ़ लिख के निकल गए हैं, इतने लंबे समय से वो दूर हैं अपने जिले से, तो वो सबका सहयोग मिल रहा है, और सभी लोग चाहते हैं कि एजुकेशन में मेरा सिवान हमारे भारत में नंबर वन हो। आपके साहब ने क्या क्या सिवान के लिए किया? अब बहुत सारे अनेकों काम किए हैं, जो हमारे सभी यहाँ पर युवा हैं, बच्चे हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सब लोग बताएंगे ना। आप वंदे मातरम का नारा लगा रही हैं। देखिए, मैं देश से बहुत प्रेम करती हूँ, अपने सिवान जिला से प्रेम करती हूँ, अपने बिहार से करती हूँ, तो वंदे मातरम तो कहूँगी ना, नारा तो मैं लगाती रहूँगी,
इसके लिए किसी को भी तकलीफ हो उसे मुझे कोई परवाह नहीं है। आपने देखा हिना साहब का ये नया रूप है। जी हाँ, वो कह रही हैं कि देश प्रेम सबसे ऊपर है और देश प्रेम के लिए वो कुर्बान होने को भी तैयार हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो वंदे मातरम कहती रहेंगी और यही वजह है कि जाति मजहब से ऊपर उठकर लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। अभी व्यवसायी वर्ग की के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं इनकी सभा में। तो हिना साहब केवल माई समीकरण के जरिए चुनाव नहीं जीतना चाहती हैं, हर समाज, हर तबका, हर वर्ग का समर्थन चाहती हैं। मिल रहा है? जी बिल्कुल, खुलकर मिल रहा है। केवल माई समीकरण के बदौलत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सभी समाज से ऊपर उठकर सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि हमारे जिला में जो पिछड़ापन है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो हिना साहब के इस दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।